मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल के माध्यम से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 25 लेखपालों को नियुक्त पत्र वितरित किया गया। आपको बता दें कि 10 जुलाई 2024 के दिन आज तकरीबन 12 बजे रायबरेली के जनपद कलेक्टर परिसर स्थित बचत भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्चुअल के माध्यम से नवनिर्वाचित लेखपालों को नियुक्त पत्र दिया गया। जिलाधिकारी हस्ता माथुर की अध्यक्षता में वितरण किया गया। वहीं विभिन्न तहसीलों के आए हुए कुल 87 लेखपाल मिले और 25 नवनिर्वाचित लेखपालों को वचन भवन में डीएम और अन्य अधिकारी की अध्यक्षता में नियुक्त पत्र वितरण किया गया और नियुक्त पत्र पाते ही युवा लेखपालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जिलाधिकारी हस्ता माथुर ने बताया कि सभी नियुक्त पत्र पाने वाले नवनिर्वाचित लेखपालों को विभिन्न तहसीलों में तैनात दी गई है। फील्ड में रहकर ईमानदारी से काम करने के लिए भी कहा गया। प्राइम के न्यूज़ चैनल के लिए राम भवन रायबरेली। के पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7720 नवचयनित लेखपालों को आज नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम जो हुआ, इसमें रायबरेली जिले में लगभग 79 लेखपाल जिनको कि नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, जिनमें से लगभग 25 लोगों को रायबरेली जनपद में दिया गया और बाकी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लखनऊ में उनको नियुक्ति पत्र आज प्रदान किया गया है। आज उन सभी चयनित लेखपालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि जीवन में वो सार्थक और सकारात्मक रूप से अपने कार्यक्षेत्र में काम करेंगे और जितना भी उनसे बन पड़े अपने काम को सेवा भाव के प्रति समर्पित करते हुए जनता के प्रति वो काम करेंगे, ऐसी शुभेच्छा मैं उन सबको देना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? दिव्या ग्रहरी। आज नियुक्ति पत्र मिला है आपको लेखपाल का, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग को ये वैकेंसी कंप्लीट होके मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया था, उसके बाद ही कंप्लीट हुई है। आज 2021 में आई थी और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे से बस ज्वाइनिंग हो जाए और बाकी सारी चीज़ें भी आगे अच्छी चलें। वैसे ही मम्मी पापा मेरे काफ़ी सपोर्टिव हैं तो उनको भी थैंक यू। बाकी मेरे जो अपने हैं जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया उनको सबको थैंक यू। और आप सबसे उनसे कैसे निपटेंगे? अक्सर लेखपाल को जैसे ही झगड़े होते हैं। जी झगड़े तो बहुत होते हैं, कोशिश करेंगे हमें अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और हम उसे अकॉर्डिंग अपना अच्छा सा काम करें और सारी जनता की सेवा करें। मैं बात चैलेंज में नव चयनित जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं उन सभी लोगों को उनके नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। जनपद रायबरेली के लिए 87 की संख्या में हमारे पास पदों पर हमें नव चयनित लेखपालों को आवंटित किया गया है, जिसमें से 79 आ गए हैं। उनमें से 25 लेखपालों को आज यहां पर नियुक्ति पत्र दिया गया है। इन सभी लेखपालों को उनका कार्यक्षेत्र भी दे दिया गया है।